नमस्कार। रात भर सीबीआई मुख्यालय में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। सीबीआई ने इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे हैं, वो सवाल जिसकी उम्मीद शायद पी चिदम्बरम ने कभी नहीं की होगी। और अनबने तरीके से लगातार पी चिदम्बरम सीबीआई के सवालों का जवाब देते रहे। हम आपको ये बताने वाले हैं कि वो कौन कौन से सवाल थे जो सीबीआई ने रात भर उन्हें बिठाकर पूछा है। वैसे उससे आपको ये भी बता दें कि जब पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी हुई तो काफ़ी नाटकीय तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई। सीबीआई को पिछले दरवाजे से जाना पड़ा, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की करनी पड़ी और तब जाकर उनकी गिरफ्तारी हुई। ठीक इसी तरह जैसे पी चिदम्बरम सीबीआई और ईडी की निगाहों से भागते चल रहे थे, वैसे ही सीबीआई की हिरासत में लिए गए चिदम्बरम जब अनमने तरीके से जवाब दे रहे थे और सीबीआई को लगा कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे, तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से सवाल पूछे गए। दरअसल चिदम्बरम से सबसे पहला सवाल पूछा गया था इंद्राणी मुखर्जी के बारे में। इंद्राणी मुखर्जी को कैसे जानते चिदम्बरम, ये सबसे पहला सवाल सीबीआई ने पूछा था। फिर सीबीआई ने उनसे दूसरा जो बड़ा सवाल पूछा वो ये था कि घूस कांड का पैसा कहां से आया और कहां गया, क्योंकि ये भी जानना जरूरी था। सीबीआई ने ये भी पूछा इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी से उनकी मुलाकात कैसे हुई, क्या इसमें कोई और भी शख्स था जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है या जो पर्दे के पीछे हो। ये भी सीबीआई ने सवाल उनसे पूछे कि एफआईपीबी के नियमों में बदलाव का विरोध क्यों नहीं किया गया, आप वित्त मंत्री थे तो आपने इन चीज़ों पर आंखें बंद क्यों रखी। सीबीआई ने ये भी सवाल पूछा कि कार्ति चिदम्बरम और इंद्राणी मुखर्जी आखिरकार दोनों कैसे मिले। सीबीआई ने शेल कंपनियों के बारे में भी सवाल पूछा है। आपको ये भी बता दें कि जो आरोप है पी चिदम्बरम पर वो ये कि उनके बेटे की कई शेल कंपनियां थी और उन कंपनियों के जरिए सारे जो रिश्वत के पैसे थे उनको लगाया गया ताकि उन पैसों को वाइट मनी में तब्दील किया जा सके। सीबीआई ने इससे जुड़ा हुआ भी सवाल पूछा है। चिदम्बरम को सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से सीबीआई 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक सीबीआई का रुख यही रहा है कि चिदम्बरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे। अगर सीबीआई 14 दिनों के रिमांड पर पी चिदम्बरम को लेती है तो फिलहाल 14 दिनों तक तो उन्हें राहत मिलने वाली नहीं है, यानी कोर्ट में चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर दिल्ली हाई कोर्ट में दोबारा सुनवाई के लिए कोई याचिका अब नहीं डाली जा सकती है चिदम्बरम की तरफ से। तो ये चिदम्बरम के लिए सबसे मुश्किल घड़ी है। और साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ता जो लगातार इससे पहले हमने देखा कि सीबीआई का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और मोदी सरकार पर धड़ाधड़ कई सवाल दाग दिए गए। इससे पहले चिदम्बरम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा गया था कांग्रेस मुख्यालय में, तब उन्होंने कहा कि वो जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं, वो उन्हें कानून पर भरोसा है और सारे तथ्य इस केस से जुड़े हुए सारे फैक्ट्स वो इकट्ठा कर रहे हैं, अपने वकीलों से बात कर रहे हैं और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। कांग्रेस को अभी उम्मीद है कि शायद अगर सीबीआई की विशेष अदालत रिमांड पर देने की अनुमति नहीं देती है तो कोई रास्ता बन सकता है, कोई उम्मीद निकल सकती है पी चिदम्बरम के लिए। लेकिन खबर ये भी है कि फिलहाल जांच का पूरा दायरा सीबीआई ने भी बढ़ा दिया है। जांच का दायरा बढ़ाने का सीधा नुकसान चिदम्बरम को ये होगा कि क्रॉस करवा सकती है सीबीआई। सीबीआई इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी और पी चिदम्बरम दोनों को एक साथ बिठाकर, आमने सामने बिठाकर सवाल पूछ सकती है और दोनों को ये भी देखा जाएगा कि दोनों के जवाब में क्या समानता है, कैसे दोनों मिले, कैसे पूरी रिश्वत दी गई, कैसे पूरा घूस दिया गया, इन तमाम चीज़ों की जांच सीबीआई कर सकती है।